सबसे पहले तो मैं मेरे बीजेपी के मित्रों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं बोलना शुरू कर रहा हूँ, जिसने मेरा मुंह सूंघना है अभी आ जाए, फिर बीच में डिस्टर्ब होता है। जिसने मेरा मुंह सूंघना है अभी आ जाए, फिर बीच में आते हो ना डिस्टर्ब होता है। जब भी मैं सच बोलता हूँ तो आपको शक होता है। मिस्टर थॉल, आओ ना फिर। मिस्टर थॉल, प्लीज सिट डाउन। नो पॉइंट, व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव? इट्स नॉट इवन गोइंग ऑन रिकॉर्ड। तो मैम, जो भीमराव अंबेडकर जी का संविधान है, उसका ये कत्ल हो रहा है इस बिल के जरिए। मैम, आजादी के बाद किसी को भी धर्म के नाम पर सिटीजनशिप नहीं मिली। डाउन मैम, पंजाब से प्लीज सिट डाउन। लगभग 150-200 साल पहले हमारे बुजुर्गों को अंग्रेज मेघालय में, सिक्किम में, असम में ले गए, तो अब वो तो वहीं पे हैं। अब उनके बारे में, उनके पिताओं के बारे में, जो उनके ग्रैंडफादर्स के बारे में कहां से पता करेंगे, उनका क्या होगा फिर? पंजाबी है वहां पे, जहां सिक्किम में अभी गुरुद्वारा में एक घटना हुई थी। तो मैम, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर इस बिल के जरिए आपने सपोज कर लो 50 लाख लोग ऐसे आपने शनाख्त कर ली कि ये लोग इलीगल हैं, तो उनका करोगे क्या फिर? कहां लेके जाओगे उनको? कोई शरणार्थी कैंप बनाओगे उनके लिए? क्या बनाओगे? कहां? बांग्लादेश तो लेगा नहीं, तो इंटरनेशनल कानून के मुताबिक उनका क्या करोगे? अगर शरणार्थी कैंप बनाओगे, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, तो सब कुछ देना पड़ेगा। तो ये बिल लेके कहां जा रहा है हमें? मैं ये कहना चाहता हूं मैम, जो चलो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से जो शरणार्थी हैं, वो उनको हम लेने चाहते हैं। जो हमारे देश से शरणार्थी गए हैं, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड में, हॉलैंड में, बेल्जियम में, वो काली सूची में डाल रखे आपने, वो काली सूची में डाल रखे आपने उनकी सरकारें रिपोर्ट करती हैं। आखिरी बात मैम, वो काली सूची में, मैम हम भी आर्यन लोग हैं, हम आर्यन लोग हैं, हम भी ऐसे आए थे, हम कहां जाएंगे? आखिरी मैम एक शेर बोलूंगा, एक मिनट। लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत वर्ष, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। सर, पीओ के होम मिनिस्टर साहब, अब ये क्यों भूल जाते हैं कि 1/3 एरिया हिंदुस्तान का चीन में है? आप डर रहे हैं क्योंकि कल अगर दलाई लामा मर जाएंगे, नया दलाई लामा आएगा, तो आप उसके लिए रोक रहे हैं। क्या तिब्बत के लोगों में मुसलमान नहीं है? क्यों नहीं देते आप दलाई लामा? आप इंतजार कर रहे हैं। मैडम, यही तो हम पूछ रहे हैं, चीन के बारे में क्यों नहीं रखते आप? क्यों डर रहे चीन से आप? 1/3 एरिया चीन, भारत का चीन में है, और खुद होम मिनिस्टर ने कहा था एक्साइज चीन पर नहीं छोड़ेंगे, आज आप छोड़ दिए, इतना क्यों डरते चीन से आप? चौथी बात मैडम, क्या हमारे होम मिनिस्टर साहब जानते हैं टाइगर सिद्दीकी कौन था? टाइगर सिद्दीकी वो शख्स था जिसको हिंदुस्तान में हमने पना दी, मुक्ति वाहिनी बनाई और बांग्लादेश बना। अगर ये लोग सरकार में होते तो टाइगर सिद्दीकी कभी नहीं बनाता मुक्ति वाहिनी को। और भाई, पांचवी बात मैडम, अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, यकीनन आप जानते हैं तालिबान आएगा। जब तालिबान आएगा तो आपको जरूरत है हजारा की, ताजिक की, आपको जरूरत है भारत में, ताकि हम स्ट्रेटेजिक कंट्रोल कर सके। मगर आपके कानून की वजह से आप उन तमाम ताजिक को, उज्बेक को, तालिबान जो हुकूमत करेगा अफगानिस्तान में, आपका तो कार्ड चला गया। ये आपकी सोच है, ये आपका विजन है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा ब्लंडर स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के एंगल से आप लोग करेंगे। अफगानिस्तान में सिख है, मैं जानता हूं, तालिबान के जमाने में होम मिनिस्टर साहब जानते हैं कि करेंसी का पूरा मामला सिखों के पास था, आज भी उन्हीं के पास है। और क्या गारंटी ले रहे होम मिनिस्टर साहब कि पाकिस्तान को ना हिंदुस्तान के हिंदुओं से मतलब है, ना पाकिस्तान से मतलब है, वो घुसाएगा यहां पर, आप कैसे रोकेंगे? और क्या आप बताएंगे मैडम कि कितने लोग हैं जिनको आप सिटीजनशिप देने जा रहे? नंबर बताइए, स्टेट वाइज बताइए, कहो कह रहे हैं मैडम। और एक बात, ये कानून जो बनाया जा रहा है, इसलिए बनाया जा रहा है कि दोबारा पार्टीशन हो। ये कानून तो हिटलर के उस कानून से ही बदतर है। कहां लाकर छोड़ दिया भारत को आप? अगर आपने संविधान पर किया था,
हम मुसलमानों का गुनाह क्या है? क्या मुसलमान है? मुझे पाकिस्तान से मत लीजिए, अफगानिस्तान से मत लीजिए, मगर इस्लाम के ताल्लुक से, मुसलमानों के ताल्लुक से इस अहमान को सोचना पड़ेगा। आप जो मैसेज दे रहे हैं, आपकी वजह से पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन हो गया मुसलमानों का। आप तो उनको दबा रहे हैं, उनके सीने पर पैर रखकर आप कह रहे हैं कि अब तू इस मुल्क का बाइज़ा शहरी नहीं बल्कि तो स्टेटलेस बनाया जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं मैडम कि ये एक और एक पार्टीशन होने जा रहा है। मैडम मैं आपको कहना चाह रहा हूं, अंग्रेजी में कहावत है कि दोज डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री आर कंडेम्ड टू बी रिपीटेड। श्रीलंका के 10 लाख टमिलियंस मद्रास में, तमिलनाडु में हिंदू नहीं है क्या? खत्म करो। नेपाल में मदेसी नहीं, हिंदू नहीं है, बताइए। अच्छा मैडम, ये होम मिनिस्टर साहब बता दीजिए कि म्यांमार में चिन, काचिन, अरहकान, अरे चंद साल तक ऑल इंडिया रेडियो पर काचिन का रेडियो सर्विस चलता था। ये चिन लोग क्रिश्चियन है म्यांमार के, आप इंतजार कर रहे हैं? क्या इंतजार कर रहे हैं? कौन सा स्ट्रेटेजी आपकी? हर एतबार से फेलियर साबित होगा मैडम। इसीलिए मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं, ये हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है और ये उन लोगों की तौहीन है जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करवाया था। 1957 की जंग आजादी हो या 1910 में महात्मा गांधी कैसे महात्मा बने मालूम मैडम? उन्होंने साउथ अफ्रीका के नेशनल रजिस्टर कार्ड को फाड़ दिया था, फाड़ दिया था, जला दिया था। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं, ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मेरे खुद ही क्षेत्र में बोरपोटा टाउन कमेटी के सबसे पहले चेयरमैन जगदीश देव, उनका छोटा भाई नीलू देव आज एनआरसी से वंचित है। साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले दुर्गा खाटीवादा, एक गोरखा समाज के व्यक्ति, आज वो एनआरसी से वंचित है। इन लोगों के बारे में भाजपा ने एक बार भी नहीं सोचा, सिर्फ कड़ी राजनीति। आज इनको घुसपैठिए सबसे बहुत आपत्ति है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सबसे पहले घुसपैठिए शब्द का इस्तेमाल आपकी सरकार के गृह मंत्री ने किया था जब 40 लाख लोग एनआरसी से वंचित थे। आप माफी की मांग करते हैं, मैं पहले गृह मंत्री से दरखास्त करूंगा कि मेरे जो 1 लाख गोरखा भाई बहन हैं, जो हमारी सीमा की सुरक्षा करते हैं, जो हमारे गौ रक्षा करते हैं, उनको घुसपैठी कह के आपने जो अपमान किया, पहले आप उनसे क्षमा मांगिए। आज हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से लोग जो आज असम में काम कर रहे हैं, उनको घुसपैठिए करके आपने जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकी, पहले गृह मंत्री महोदय, पहले आप उनसे माफी मांगिए। आज हमारे ट्राइबल लोग कोच राजवंशी नहीं है, बोडो लोग नहीं है, उनके लिए उन्होंने कुछ नहीं सोचा। हम चाहते हैं कि आप ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाते हैं, पहले एनआरसी को तो सुधारिए। 3 करोड़ आबादी के लिए आप एनआरसी, आप एक सही एनआरसी नहीं ला पाए, आप 130 करोड़ के लिए लाने जा रहे हैं। पहले 3 करोड़ के एनआरसी को ठीक करिए। 6 वर्ष चले गए, 1600 करोड़ खर्च हुए, लेकिन आज भी लोगों को सही एनआरसी नहीं मिला, और ये बात करते हैं कि 130 करोड़ के लिए लाएंगे। आज ये इस बिल के द्वारा भी मेरे बंगाली समाज के लोगों को एक झूठा दिलासा दे रहे हैं। वे बंगाली समाज के लोग अपने आप को भारतीय नागरिक बोलना चाहते हैं, लेकिन आज क्योंकि इन बीजेपी के नाकामी के लिए एनआरसी से वंचित है, आज उनको अपने आप को पहले बांग्लादेशी कहना पड़ेगा। ये कैसा न्याय है कि मेरे असम के बंगाली समाज के लोग, जिनको भारतीय नागरिक का सम्मान मिलना चाहिए, आपके नाकामयाबी के कारण उनको पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के द्वारा अपने आप को बांग्लादेशी बोलना पड़ेगा। क्या है आपके गाइडलाइन? अभी तक गाइडलाइंस भी नहीं बने कि वो कैसे दिखाएंगे कि वो प्रोसिक्यूशन हुए, वो कैसे कागज दिखाएंगे कि वो बांग्लादेश से कौन से साल में आए, जब एनआरसी में अपने भारतीय होने का उन्होंने जब कागज दिया, उसी कागज को आपने माना नहीं, अब आप बोल रहे हैं कि नहीं, अब आप अपने आप को बांग्लादेशी बोलिए। ये अपमान है। बहुत सी समस्याएं हैं, पहले उसको ठीक करिए। डी वोटर का समस्या है, डिटेंशन कैंप का समस्या है, फॉरनर ट्राइब्यूनल का समस्या है। गृह मंत्री जी, मैं आपका सम्मान करता हूं, आपने बहुत से लोगों को दिल्ली बुलाया, मैं आपसे दरखास्त करता हूं कभी आसाम में जाके डिटेंशन कैंप में जाइए, देखिए वहां पे लोगों की क्या दुर्दशा है। वहां पे हमारे वासुदेव विश्वास एक डिवेटर थे, उनको आज देहांत हुआ। क्या आप गए आसाम में? आपने यहां सबको बुला लिया। मैडम, दिस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हैज अ वेरी नेगेटिव इंपैक्ट ऑन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। This northeast part of our India is a very special part of India that we must protect and preserve. In northeast India, we have multiple tribes. Manipur has 37 tribes. Nagaland has 100 tribes. We are Nishi, we are Kuki, we are Meti, we are Naga, we are Bodo, we are Bhutia, we are Lepcha. But where is this? Where is our culture? Where is our literature?
Where are our tribal values? The constitution gives us special protection. Sikkim has a special protection under 371F. Kuch nahi is bill mein. Aaj hamari puri jo Bharat swadhin hua. Lekin jab Bharat mein swadhin hua par jo rajya bane, wo bhasha ke anusar bane. Linguistic basis pe hamara state ka reorganization hua. Aaj hamari bhasha, aaj hamare akraman pe hai. Bhasha pe aahat hai. मैडम दो मुझे तीन मिनट और दीजिए, तीन मिनट मैडम नोटिस अभी तक कोई भी नहीं बोला, तीन मिनट दीजिए। मैं हमारे मंत्री से भी महोदय दरखास्त करूं, आज हमारे इंडिजिनस पॉपुलेशन आज वहां पे उनके लिए नौकरी नहीं है, कॉलेज में सीट नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है, और आप बोल रहे हैं कि और वहां पे लोग और लोगों को वहां पे सहयोग दीजिए। आप अपने इस बिल में सिक्स शेड्यूल, मैडम तीन मिनट, तीन मिनट मैडम, आपने इस बिल में सिक्स शेड्यूल आईएलपी लाया, ये सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस है, ये प्रावधान तो पहले से ही है, कुछ नया नहीं है, ये प्रावधान पहले भी है। इस बिल में लाने से पहले भी आईएलपी था, उसके बावजूद भी आज किसी भी उत्तर पूर्वांचल राज्य में जाइए, चाहे सिक्स शेड्यूल में हो आईएलपी में हो, वहां के लोग बोलेंगे कि आज भी इन प्रावधान होने के बाद इंक्रोचमेंट हो रहा है। आप इस बिल के द्वारा जो पुराने जो घाव है उस घाव को पूरा उछाड़ रहे, ट्राइबल नॉन ट्राइबल के बीच में जो एक अमन और चैन का वातावरण बन गया था उसमें आप आग लगा रहे हैं सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। एंड में मैं कंक्लूड कर रहा हूं, मैम आई एम कंक्लूडिंग। सो मैडम आई वांट टू स्पेसिफाई वेरी क्लियरली व्हाई वी अपोजिंग दिस बिल। द नॉर्थ ईस्ट अपोजेस दिस बिल बिकॉज वी आर नॉट स्लेव, हम गुलाम नहीं है। जो आप लोग जो भी आप बिल लेके आएंगे उसको हम मानेंगे। आप संख्या के बदल पे, संख्या के दम पे निश्चय इस बिल को पारित कर लीजिए, लेकिन सड़क पे हम लड़ेंगे। मैडम दो पीजिए, दिलीप घोष मैडम दो, प्लीज दो पॉइंट। एंड लास्टली आई एम अपील, दो पॉइंट लास्टली आई एम अपीलिंग टू ऑल द नॉर्थ ईस्ट रीजनल पार्टीज। आज लोग आपको देख रहे हैं, आई एम अपीलिंग टू यू, वोट विथ योर कॉन्शियंस, स्टैंड विथ योर पीपल, नॉट वोट विथ पॉलिटिकल कंपल्शन।